भगवान हरि की जय। आचार्य कुंवर श्री पंडित भगवान की जय। आचार्य कुंवर श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। रक्तचाप की व्याप्ति होती है,
अनेक प्रकार के ध्वनि को याद करने के लिए चले जाए तो ये बोझ इसके ऊपर पड़ सकता है और बच्चों में पड़ता जा रहा है। भारतीय भाषा की ध्वनि ठीक नहीं लगती, इंग्लिश चाहिए। ब्लड प्रेशर कहने से प्रत्यय को ज्ञात होगा, रक्त संचार कहने से किसको नहीं होगा। अब ये चाप, चाप मतलब दबाव होता है, तो आप बच्चों के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं, डालते रहते हैं। अब ध्वनि न दे, जिस समय उसको आवश्यकता पड़ जाएगी वो अपने आप ही बिना ध्वनि किए और आपके पास हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाएगा और आप जानते हैं इतना संकेत पर्याप्त है, मैं समय पर आ गया हूँ, क्योंकि मैं ध्वनि की प्रतीक्षा में था। यह विलम्ब होने लगा, समझा हमें आज बुलाया गया है, हमें तैयारी करें। इससे घड़ी की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देर भला नहीं जाने का पेशा क्या बोलते हैं, क्या समाप्त होने के अभिषेक देर। इसमें ध्वनि की भी कोई आवश्यकता, संकेत की भी कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही नींद दूर भग जाएगी। नहीं समझे, प्राइवेट एक्सीडेंट हो रहे हैं ड्राइविंग करते समय, वह नींद का झोंका आ जाता है, वह ऐसा हल्का झोंका नहीं है, वो बड़ा झोंका होता है और बहुत बड़ा धोखा होता है उन्हें जो यात्रियों के साथ, और उसमें भी यजमान लोग पी करके बिगड़ जाता है, भोजन करके पैसा तो फिर भी ठीक था, पी करके तो कार क्या होता है, पी कार क्या होता है, ये पी जाना एक प्रकार से ध्वनि की ओर ले जाता है, ये शराबी है ऐसा होता है। तो गति मंदी हो, आपकी गति तो ध्वनि दे रहे हैं, आपकी भी गति मंदी हो जाती है। जब साइकिल चलते थे उस समय पीछे से कोई आता उसके लिए उसने कोई दे दिया तो उस समय अपने ध्वनि देने के लिए घंटी नहीं रहती है, हाथ थोड़े से छोड़ करके दबाया उसी समय बैलेंस नहीं हुआ, अपने आप का नियंत्रण खो दिया, तो क्या हुआ, गति मंदी हो, बिल्कुल मंदी चोट लग गई। किसकी गति मंदी हो, निजी अपनी भी मंदी हो और औरों की भी, दूसरों की भी गति में वह हो जाती है। इसलिए हम किसी को संकेत न देते हुए अपनी गति से चले जाए, कितना चाहिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, पकड़ने की पर्याप्त है, हाय हाय और एट वे सिक्स वे फोर वे समझे, इन सब वेव वेव के साथ वेव्स का संबंध है, ऐसे ऐसे भयानक घटना हो रही है, सुन करके आश्चर्य भी होता है दुख भी होता है, कहाँ ये भीड़ जा रही है, भाग रही है, बता नहीं, और हमारे पास आपके आशीर्वाद देने महाराज कौन सा कर्म का उदय है और कर्म का कौन सा उदय, आपका कर्तव्य किया आपका प्रतीक है, ये प्रतीक है, आंखें बंद करके विमोश के साथ आप चला रहे हैं, उसका परिणाम है। इसलिए ये ध्वनि बल का रूप भी धारण करता है, ऐसी ध्वनि न करिए जिसके द्वारा दूसरे को दुख हो,
ってくれてるくおいもうそまならऔर उसके सामने जाकर जो रोजे में बैठ जाएंगे उसका महा उत्सव दूसरे उत्सव में परिवर्तित हो जाएगा। हजारों लोगों को आप इसके माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप ऐसी ध्वनि देते हो जिसके द्वारा हजारों दुखी एक साथ प्रसन्न हो जाए, दोनों ध्वनि के ऊपर आधारित है। इसलिए ये मंत्र जब तक फलित नहीं होता प्रभु जी किसी के साथ बोलते ही नहीं, किसी को कुछ कहते नहीं। फिर बाद में समोचरण में जब बोलते हैं वह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बोलते, आपके कर्तव्य के अनुसार वह कुछ बोलते हैं। कोई व्यक्ति नहीं सुनता है तो देश नहीं, कोई व्यक्ति सुनता है राग नहीं, ये तो राग और द्वेष की ध्वनि है सामने वाले दोनों, इसलिए अभी इससे कोई मतलब नहीं। और उससे त्रिनेत्रों का भी भला हो जाता है, मतलब आप लोगों से अच्छा है त्रिनेत्र भी उनकी ध्वनि को समझ लेते हैं। आपके लिए भाषा की आवश्यकता है और त्रिनेत्रों के लिए भाषा की कोई आवश्यकता नहीं। एक थोड़ा सा आवाज कर दे तो उसमें वह सारे सारे सुन लेते हैं। तो आज यह आप समझो जिस किसी को वचन प्रयोग के माध्यम से आप संबोधित कर रहे हैं, आज्ञा देते हैं कि एक ध्वनि है उसके हृदय के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है मैं कुछ नहीं कह सकता। एक व्यक्ति ने कहा कि प्रारंभिक दशा में बच्चों को आज्ञा दे करके कभी भी समझाओ नहीं, उसको पुचकार करके, पुचकार समझते हो, बच्चे समझते हैं और आप नहीं समझ सकोगे, नहीं समझे। और इसके साथ साथ यदि कभी गड़बड़ हो गया तो नज़र थोड़े से बेटा इधर देखो और देखते ही उसको मालूम पड़ जाएगा हमने गलती की नहीं खा ली, तो वह समझता अब आगे के लिए नहीं होगा। इतना पर्याप्त है कि आप बहुत मेहनत हो रही है, ऐसे मेहनत की आवश्यकता नहीं थी, इसके कारण आपके रक्तचाप पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ औरों की दूसरे की गति में भी काफ़ी अंतर आ रहा है। वह मंदी पड़ रही है, उसका क्या मंदी पड़ रही है, उसकी मति और गति मंदी पड़ रही है, उसकी गति में भी गति अवरुद्ध हो रहा है। और जब कभी भी आप घड़ी देखते हैं उसके लिए पास स्थान नहीं है तो सोच में बैठ जाता है, फ्राई करके वहाँ एक प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें चोट लगती गहरी मुंदी आदि उसका इलाज अंदर से जा कर के किया जाता। ऐसी स्थिति क्यों होती है यह है मात्र वचन ध्वनि का ही परिणाम। आप लोगों के पास जो ध्वनि है वह बहुत ही खतरनाक है, ध्यान रखना। इसको बल कहा, वचन बल होता है। इस वचन बल के द्वारा कई लोग दूसरे के ऊपर अपने प्रभाव डालने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, हमने एक बार पढ़ा कि अमेरिका कहता है दूसरे राष्ट्र को यदि नहीं होगा ये तो हम वीटो पावर करेंगे, है सामने वाले ने सुन लिया ये पावर है वीटो पावर। तो सामने वाले ने कहा कि हमारा भी वीटो पावर है, तो अमेरिका कहता है हम दूसरी बार दोबारा और वीटो पावर लगाते, हमारे पास भी है, ये अर्थ क्या होगा, ये पावर किसी काम की नहीं है। इसलिए आप इस बल का प्रयोग न करिए, संकेतों के माध्यम से
और उसको पूछा कि प्राइमरी में अथवा प्राथमिक में तो पूछा के माध्यम से सारे सारे दुख को भूल जाता है और आपकी चोट को भी वह भूल जाता है, थप्पड़ दिया हुआ गाल पर वो भी भूल जाता है और आपका वह हो जाता है। इसलिए बच्चों का पालन करना बहुत कठिन है और शिक्षिकाओं को हम कहना चाहते हैं कुछ कार्य प्रयोग ज़्यादा करियो।